एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, माय सेल्फ अंतिमा दुबे। तो दोस्तों, जो ये हार्ड टाइम चल रहा है, इसमें जितनी रिस्पांसिबिलिटी हमारी हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे लव्ड वन के लिए है, उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी हमारी हमारे आसपास के लिए भी है। जहां हमें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की हेल्थ को लेके इतना कंसर्न है, हम उनके लिए इतना प्रोटेक्टिव है, हमें उनकी इतनी परवाह है, वहीं पे हमारे आसपास कई ऐसे सारे लोग हैं जिनकी परवाह करने वाला, जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट एनिमल्स की, स्पेशली डॉग्स की। क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो छोटे मोटे होटल, ढाबा या ठेले पे ही डिपेंड होते हैं, बट लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जहां लोग महीने महीने भर का राशन स्टॉक करके रख रहे हैं, वहां उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। पहले मुझे लगा था कि लॉकडाउन 15-20 दिन तक चलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं पता है कि ये कब तक चल सकता है, और इतने दिन बिना खाए पिए डॉग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वैसे तो कई सारे एनजीओ और कई स्टेट की गवर्नमेंट भी और कई लोग भी इसकी हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं, बट हमारी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अगर हम उतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते तो हम छोटे मोटे लेवल पे तो कर ही सकते हैं, हमसे जितना बनता है उतना तो कर ही सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते तो हम एक पैकेट ब्रेड का ही खरीद के बाहर रख दें। और एक चीज मैं और कहूंगी कि प्लीज बाहर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी रहते हैं, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप गार्ड को दे दीजिए वो चीज, वो आप बाहर रख देंगे, या अपने घर के सामने रख दीजिए, या आपके घर के सामने कोई स्ट्रीट है तो उसके कॉर्नर पे रख दीजिए। हो सकता है पहले दिन वो ना आए क्योंकि उनको नहीं पता होगा, बट दूसरे दिन वो डेफिनेटली आएंगे। एक चीज और, वैसे तो गर्मियां स्टार्ट होते ही बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं, बट फिर भी मैं कहूंगी कि किसी बाउल में आप पानी भर के अपने बालकनी में रख दो या छत पे रख दो, और अगर आपके घर में कोई अनाज पड़ा हुआ है तो उसे बाहर थोड़ा सा फेंक दो, क्योंकि बर्ड्स को भी इस वक्त कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और एक चीज जो मैं और कहना चाहूंगी कि प्लीज किसी की हेल्प करते वक्त वीडियो मत बनाइए। किसी किसी का कहना होता है कि हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो सकें, बट मैं यही कहूंगी कि आप हेल्प करने के लिए वीडियो बनाइए, ना कि वीडियो बनाने के लिए हेल्प करिए। आज आपको मैं अपनी वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी मैंने जो भी कहा है उसे आप अगर थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो वही मेरे लिए बहुत होगा। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।